हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही राजेंद्र पालीवाल अध्यक्ष प्रयाग धर्म संघ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले पालीवाल जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको इसमें क्या आपत्ति लगती है जो मोहन भागवत का बयान आया, क्योंकि जहां तक जाति व्यवस्था का प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का प्रश्न है, आरएसएस आज से नहीं कई वर्षों से इस पर हमला करता आया, कहता आया है कि ये एक बुराई है जिसका खात्मा होना जरूरी है। नहीं, हमारा ये कहना है कि मोहन भागवत जी बहुत वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको आधार बना करके आज पूरी दुनिया को यहाँ अयोध्या लाने की बात चल रही है, उनका भी अगर ये देखा जाए तो उन्हें भी कहीं ना कहीं से ये चीजें मानने की उस समय की रही कि वो भी किसी एक समुदाय से थे, ये तो है नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रघुकुल माने कहीं ना कहीं से किसी कुल का वर्णन आया है जी। तो जब कहीं आज नहीं अनादि से ये चीजें बनी हैं, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिन्हें पूरी दुनिया आज हर वर्ग उन्हें पूछता है, जब उनका अपना खुद रघुकुल था और रघुकुल की बात उस समय भी हुई और आज भी ये बातें आती है समय समय पर कि रघुकुल रघुकुल माने एक समूह से, एक वर्ग से, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण उनका भी अपना एक अस्तित्व, एक स्थान किसी वर्ग से जोड़ के रहा है जो आज भी देखा जाता है। इस तरह से बातें करना तो इन मर्यादा जो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत जैसी विद्या को सबको दिया पूरी दुनिया को, इन सब लोगों पे प्रश्न उठता है। ये व्यवस्था आज की नहीं है और ये मानसिकता है, हम लोग इसको कतई आज की स्थिति में कहीं इस तरह की कोई मानसिकता किसी व्यक्ति में नहीं है। कहीं पर आज जो आधुनिक भारत है उसमें सारी चीजें, ये सब चीजें समाप्त हो गई, ये जानबूझकर उठा करके एक हलचल मचाने का प्रयास होता है जो गलत। ठीक है गीता जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि जानबूझ करके हलचल मचाने का प्रयास होता है, इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी दिखाई देता है, क्योंकि देखते हैं कि चाहे आरएसएस सामाजिक समरसता की बात करता हो लेकिन गाहे बगाहे इस तरह के जो बयान आते हैं इस पर विवाद भी खड़ा हो जाता है। केश जी देखिए, माननीय मोहन भागवत जी ने अपना जो उन्होंने वक्तव्य रखा, क्योंकि एक तो वो मराठी में था और इसलिए जो है उसका जो अनुवाद किया गया और उसके बाद कई जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने अपने जो अनुवाद किया था उसको ठीक भी किया, परंतु जिस प्रकार का एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है उसने कहीं ना कहीं उसे तथ्यात्मक रूप से ठीक करने की आवश्यकता है, जिसपे की नहीं, इसमें विवाद इस बात को लेकर हुआ कि जब उन्होंने मराठी में पंडित शब्द का प्रयोग किया तो उसको ब्राह्मण से जोड़ दिया गया कि जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसको ब्राह्मणों ने बनाया। देखिए ये सिर्फ इसका अर्थ जो था वो ये था कि कई ऐसे जो अपने विद्वान लोग अपने आप को जो कहते हैं वो बार बार जो ग्रंथों का हवाला देते हुए इस जो जाति व्यवस्था है उसको बार बार सामने लाने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्होंने अपने गुरु रविदास की जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो है सत्य में ही ईश्वर है, और इस प्रकार से आज हमें समाज में जो सामाजिक समरसता को लाने की आवश्यकता है और कहीं भी अगर कोई जातिगत भेदभाव है सब मनुष्य एक जैसे है, उन्होंने इस बात पर भी अपना जोर दिया। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर ध्यान न देते हुए एक सिर्फ शब्द का, क्योंकि जिसमें अर्थ उसका जो अनुवाद किया गया वो अनुवाद ठीक रूप से नहीं किया गया जी। कहने का अर्थ ये था कि वो जो कुछ ऐसे महानुभाव विद्वानों से भी अर्थ ये कि जो लोग अपना कुछ अनुवाद करके जाति व्यवस्था को आज भी थोपने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप में गलत है। और देखिए समय समय पर सबने अभी पालीवाल जी ने भी कहा कि वो तो भगवद गीता में भी जो उसका अगर आप देखें चौथा अध्याय 18वां अध्याय उसमें यह बात कही गई है, वर्ण व्यवस्था जो है बहुत वर्ण व्यवस्था और जो बाद में जो जाति व्यवस्था एक कुरीति के रूप में समाज के ऊपर हावी हुई उसको उन दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो है इस बात को हम सभी को समझने की आवश्यकता है और बहुत सारे कई लोगों ने इसको बड़े अलग तरीके से कहा है। आप रामधारी सिंह दिनकर जी को देखिए तो उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय है उसमें कहा कि ब्राह्मण कौन है कि जो समाज के में जो नैतिकता है उस नैतिकता की जो रक्षा करता है वो ब्राह्मण। तो
नहीं ठीक है, जो जो बात गीता जी कह रही है राजेंद्र जी, जो बात भगवत गीता को कोट करके वो कह रही है, उसमें तो यही कहा गया है कि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं, लेकिन जो आपका कर्म होता है उससे आपका वर्ण निर्धारित होता है, उसी से आप द्विज बने या न बने, ये बात कही गई है भगवत गीता में। लेकिन पालीवाल जी, जहां तक संघ की बात है, लंबे समय से हम देखते आए कि वो सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि एक गाँव में एक ही कुआ एक ही शमशान घाट हो, ताकि जो जाति व्यवस्था है, जाति की जो कुरीतियां हैं उनको तोड़ने के लिए बात करते हैं। तो इसमें फिर राजनीति कहां से आ गई? अब देखिए, इसी को ले लीजिए, राजा हरिश्चंद्र जो डोम के यहाँ नौकरी किए, ये भी अपने आप में एक है ना प्रमाण जो आज दुनिया मानती है। एक राजा एक डोम के यहाँ काम किया, कितने सालों तक काम किया। तो अब कहां वर्ण व्यवस्था की बात, पहले भी नहीं थी, सब समान थे, केवल एक व्यवस्था थी कि इन्हें ये करना है, ये रक्षा करेंगे, ये संचालन करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे। बाद में उसको किसी तरह से कहीं से भी जब अंग्रेज या मुगल आए तो विभत्स किया, लेकिन पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हमारा जो भी अपना सनातनी व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में सारी चीजें ठीक है। मेरे पास समय की कमी है, गीता जी है। पालीवाल जी कह रहे हैं कि ये जो पूरी कुरीतियां आप देखते हैं आज समाज में, ये मुगलों के आने से, अंग्रेजों के आने से आई है, यानी जो बात भागवत जी कह रहे हैं कि ये पंडितों की बनाई हुई व्यवस्था, ये गलत बात है। देखिए, फिर दोबारा से वो पंडित शब्द को ब्राह्मण से उसका जो है उसका अनुवाद के रूप में नहीं लेना। मैंने कहा विद्वान भी अगर मान लीजिए, देखिए कई मराठी में भी तो विद्वान कह सकते थे ना, पंडित ही क्यों कहना चाहिए था? मराठी में भी तो विद्वान आता है, बोलने में भी मराठी विद्वान शब्द नहीं आता, मराठी शब्द तो ऐसा है कि विद्वान भी तो कहा जा सकता था ना। जो बात है ये भी कहा गया कि जो जाति जातिगत में ऊंच नीच की जो भावना है, जो कई समाज के वर्गों में देखी जाती है, उसको हमें उससे बाहर आने की आवश्यकता है। व्यक्ति की योग्यता सबके अंदर समान योग्यता है, ये भी तो बात कही गई पालीवाल जी। आप उस साफ सी बात है कि भगवान के आगे सब बराबर हैं, ये बात है। मूल मुद्दा ये है। गीता जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर जो विवाद है वाकई विवाद है भी या नहीं है।